आइए सो नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सम है राइट पढ़िए आप लोग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2009 प्रिपेयर प्रोसेस 3 कॉस्ट अकाउंट ठीक है तो इसको प्रोसेस 2 से इनपुट आएगा और ये अपना मटेरियल भी खरीदेगा तो अगर मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% दिया है जो 2 से आएगा वो ऑलरेडी 100% पे है और जो अपना ऐड करता है उसका भी अगर 100 है तो दोनों मटेरियल का एक ही मानेंगे लेकिन ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को प्रोसेस 3 का अकाउंट बनाना है ओपनिंग WIP इन प्रोसेस 3 1600 यूनिट प्रोसेस 2 से 55400 आ रहा है कंप्लीट हुआ है 52200 ऐसा सब एक पास्ट पेपर में हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसको वापस करेंगे क्लोजिंग WIP 4200 स्क्रैप 600 डायरेक्ट मटेरियल ऐड हुआ है डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड अभी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो दिया है ना मटेरियल का 100% नहीं है देखिए ओपनिंग स्टॉक का 80 है क्लोजिंग का 70 है तो ये मटेरियल ट्रू का मतलब हमने जो मटेरियल ऐड किया ये उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्योंकि वन मटेरियल वन विल बी इनपुट रिसीव फ्रॉम टू सो नोट नंबर 1 इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 2 इसको हम लोग मटेरियल ए लेंगे और इनपुट एडेड इन P3 इसको हम लोग मटेरियल बी लेंगे समझ में आया और ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है राइट ये मटेरियल बी का है ठीक है नॉर्मल लॉस वॉज 5% ऑफ द प्रोडक्शन स्क्रैप वॉज सोल्ड एट द रेट 5 पर यूनिट इज दैट फाइन तो अपने को सबसे पहले अच्छा यहां पे कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं है डिग्री ऑफ कंप्लीशन का ब्रेकअप है इसका मतलब हम लोग को फीफो लगाना पड़ेगा अच्छा लेबर एंड ओवरहेड का साथ में कर सकते हैं क्योंकि सेम है डिग्री ऑफ कंप्लीशन 60 60 50 50 70 70 राइट सो इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल ए मटेरियल बी लेबर प्लस ओवरहेड डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट राइट ओपनिंग WIP सोलह सौ
यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम पी टू, पी टू से कितना आया 55,400, राइट? तो मेरा टोटल है 57,000 यूनिट्स कंप्लीटेड में हमारा ब्रेकअप होगा आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, आउट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। तो कंप्लीट हुआ है 52,200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 52,200 में पहले ये 1600 कंप्लीट होगा, बाकी 50,600 ये वाला कंप्लीट होगा, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन बेसिकली ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस इंट्रो माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, खत्म, इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं, सिंपल। तो 1600 प्लस 55,600 माइनस 4,200, तो हिसाब से कितना आ रहा है 52,800। राइट, इज दैट फाइन? लेकिन मेरा स्क्रैप तो 600 ही हुआ है, तो यहां पे आएगा एबनॉर्मल गेन 2040 और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 4,200। तो हिसाब से देखिए मेरा हो गया 57,000। सबसे पहला काम ही हमारा यही होता है, इनपुट आउटपुट को मैच कराना। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, वी नीड टू मैच द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये नॉर्मल है, इस टाइप का सम हम लोग किया। अब ध्यान से देखो, ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या दिया हुआ है, 50,000 यहां पे हम लोग को लेना है करंट वर्क डन। तो ओपनिंग का सबसे पहला स्टेप था इनपुट आउटपुट मैच हो गया, आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन जितना काम हुआ है, तो ओपनिंग का है 80 60 60, तो 80 मतलब ये मटेरियल बी का है, तो मटेरियल ए 100, तो 100 80 60 60, तो 100 मतलब ये होगा 0%, इसमें 20, लेबर एंड ओवरहेड में 40, तो 100 80 60 60 मतलब 0 20 40 40 इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट। और इसका सब कुछ 100% होगा, नॉर्मल लॉस लेते नहीं है, एबनॉर्मल गेन गुड यूनिट्स 100 100 100,
क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 70-50-50, इसका मतलब 100-70-50-50 डन। Is that fine? तो 50,600 Is that fine? तो ये मेरा सबका इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। कॉस्ट इनकर्ड मटेरियल ए जो P2 से ट्रांसफर होके आया ना वो वाला 623250 623250 माइनस स्क्रैप 2640 इनटू 5 राइट टू सिक्स फोर जीरो इंटू फाइव माइनस 623250 610050 राइट टू वन टू 400 96,420 प्लस लेबर ओवरहेड साथ में कर रहे हैं 56,400 96,420 प्लस 56,400 152,820 ठीक है। अभी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट डिवाइड करके निकालो, चार डेसिमल प्लेस तक लेना है। 610050 डिवाइडेड बाय 52760 11.5627
ठीक है, इसका आ रहा है 212400 डिवाइड बाय 51820, 4.08, 4.0988, ठीक है, इसका साथ में कर रहे हैं 152820 डिवाइडेड बाय 152820 डिवाइडेड बाय 51300, 2.9789। ठीक है, इज दैट फाइन। अभी एबनॉर्मल गेन का वैल्यू निकालना है, कंप्लीटेड का वैल्यू निकालना है, क्लोजिंग WIP का निकालना है, काम वहीं ओवर हो जाएगा, फिर प्रोसेस अकाउंट बना देंगे। राइट, इज दैट फाइन, एनी प्रॉब्लम एनीवन? आइए, सो ये था हमारा नोट टू। अब चलिए नोट थ्री में, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। इक्वल टू ओपनिंग WIP का 24,000 का खर्चा हो चुका है, प्लस 320 इंटू 4.08098 प्लस 640 इंटू 2.9789 प्लस 50,600 का 11.5627 प्लस 4.0988 प्लस 2.9789, इसका तो सारा काम अभी हुआ है ना। कैलकुलेटर में दबाइए बटन। लिख लिख के करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना 970422.36। लो भैया, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, और उसका जो आधा आधा बाकी है ना वो राइट अड़तीस हजार 26 पॉइंट, ये लेके जाइए, ये लेना है।
हाँ ये बगल में सर है उनसे ले लीजिए, ये ले जाइए कुरियर का ये। बगल वाला रूम में चले जाइए, ठीक है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP, ₹4,200 × 11.5627 प्लस ₹2,940 × 4.0988 प्लस ₹2,100 × 2.9789 एम प्लस का बटन होता है ना कैलकुलेटर में, उसको यूज करिएगा। राइट, ठीक है? प्रोसेस अकाउंट बना लीजिए फटाफट। दे दिया उसको हम, भाभी का एक तो दिया है बस। पता नहीं हमको, 1600 यूनिट का ओपनिंग WIP दिया हुआ है। टू ट्रांसफर फ्रॉम P2, 55,400 का 623,250 टू मटेरियल्स एडेड टू डायरेक्ट लेबर टू प्रोडक्शन ओवरहेड 212,400 96,420 56,400 राइट बाई नॉर्मल लॉस कितना 2,640 13,200 बाई ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या वेयर हाउस ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट क्योंकि वेयर हाउस लिखा है फिनिश स्टॉक अकाउंट 52,200 का कॉस्ट आ रहा था मेरा
9704.22.36 बाई क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 4200 ग्रॉस है, उसका वैल्यू है 668। ठीक है, इज दैट फाइन? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जॉइंट प्रोडक्ट का समय टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज 1,48,000, आउटपुट सेल्स एडिशनल प्रोसेसिंग दे दिया है। ज्वाइंट कॉस्ट 148 है, एसीएच, बीसीएच, सीएचएस, डीएचएस। ठीक है, आउटपुट 8,424, 8,000, 4,000, 2,000, 4,000। फर्दर प्रोसेसिंग में
43. नो जर, इसका नहीं हो रहा है. पंद्रह सौ सेल्स वैल्यू एंड वाला दिया हुआ है 172,500. पंद्रह हजार इसका सेल्स ये वाला दिया हुआ है 6,000, क्योंकि इसका फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है. राइट और इसका सेल्स दिया हुआ है 45. स्प्लिट ऑफ में बेच देंगे 15, 6, 3 करके देखो 6,000 ही आ रहा है. 7.5 इज दैट फाइन. I will have produced a statement of profitability based on if the products are sold after or split off. Profitability बनाने बोला है. ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड. स्टार्ट करिए आप लोग. ठीक है, सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड. आठ हजार इंटू पंद्रह चार हजार इंटू छः दो हजार इंटू तीन राइट.
करेंगे एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो ध्यान से देखो, 6000 अगर कॉमन लेते हैं 2415, ठीक है, टोटल आ रहा है 30, तो ये होगा 1,48,000 इंटू 20/30, देखिए यहाँ पे एक तो है, हम चलाया ही नहीं बहुत दिन, ठीक है। सो इस तरीके से जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगा। प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोलेगा तो सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ ले लेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन का दो पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट फोर्टी थ्री थाउजेंड 9000 ज्वाइंट कॉस्ट 98 19733 4933। तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट इफ नो फर्दर प्रोसेसिंग ACH, BCH, CHS, DHS,
राइट ठीक है इधर आएगा 172,500 माइनस 43,000 माइनस 98,667 30,833 15,000 माइनस 9,000 8833 राइट हम लोगों को रिकमेंडेशन करने बोला नहीं है अगर रिकमेंडेशन बोलता तो इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे इसको स्प्लिट ऑफ में बेचेंगे इसको स्प्लिट ऑफ में तो ये और ये फर्दर प्रोसेस ये और ये स्प्लिट ऑफ इज दैट फाइन Is that fine? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना हम लोगों को बोलता है एस लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट्स इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस Last year, it has launched a new term insurance policy for practicing professionals, Professionals Protection Plus. Company ने बहुत सारा खर्चा किया policy का development cost है cost of marketing है sales support expense है policy issuance, policy servicing, claim management, IT cost, postage logistics, facilities cost, employee cost, administrative cost. Right? बोलता है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन पॉलिसी प्लस पॉलिसी सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू फोर मेन एक्टिविटीज मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट ऑपरेशंस रिलेटेड
आईटी एंड सपोर्ट फंक्शन, तो देखिए पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, ये आपका मार्केटिंग में जाएगा, राइट? कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग दिया हुआ है, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस भी मार्केटिंग में जाएगा, पॉलिसी इश्यूएंस, पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेशन से रिलेटेड है। पॉलिसी इशू करने का खर्चा, पॉलिसी का जो सर्विसिंग करना पड़ता है, बीच बीच में कस्टमर क्वेरी आएगा, इट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन, क्लेम भी रिलेटेड टू ऑपरेशन है। आईटी कॉस्ट अलग से दे दिया, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स, ये लॉजिस्टिक हमेशा सपोर्ट के लिए काम आता है। फैसिलिटीज कॉस्ट सपोर्ट हो गया, एम्प्लॉई सपोर्ट के लिए होता है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव भी सपोर्ट के लिए है। तो सर लाइन से ही दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोगों को, राइट? तो मार्केटिंग ये सब हो गया, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे पहला में अलग अलग करके, मैं यहाँ पे एक साथ कर ले रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे अपने, उसमें मार्केटिंग सेल्स सपोर्ट में आएगा, पॉलिसी डेवलपमेंट मार्केटिंग का कॉस्ट सेल्स सपोर्ट, ऑपरेशंस में आएगा पॉलिसी इश्यूएंस, पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम मैनेजमेंट, आईटी कॉस्ट अलग से दिया है, पोस्टेज लॉजिस्टिक फैसिलिटीज एम्प्लॉई ये सब अदर से है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टू करोड़ 36,03,600, राइट? अभी अपने को पूछा है कॉस्ट पर पॉलिसी बताओ, तो ये हमारा 2,36,03,600 डिवाइडेड बाय 528 पॉलिसीज है, सो दैट इज कमिंग टू 44,703.79 कॉस्ट पर रुपी ऑफ सम अश्योर्ड, तो टोटल सम अश्योर्ड 1,320 करोड़ दिया हुआ है, तो ये होगा 2.36 करोड़ बाय 1,320 करोड़, दैट कम्स टू 0.0018 अप्रोक्स, मतलब एक पैसा भी नहीं आ रहा है। यही तो पूछा अपने को, कुछ नहीं है इस टाइप का सम में, एकदम सिंपल होता है। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है
कॉस्ट कार्ड मेन है। स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इनपुट रेट कॉस्ट इनपुट रेट कॉस्ट स्टैंडर्ड एक आउटपुट का दिया हुआ है, एक्चुअल 600 का है, ठीक है। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड पाँच के जी रेट 4.20 तीन घंटा रेट 10.30 तीन घंटा एक रुपया करके तीन घंटा 50 पैसा करके डेढ़ एक्चुअल परचेज 5000 हुआ है बट यूज 3.5 परचेज 5000 यूज 3.5 ये दरकार नहीं है, जैसा होगा वैसा करेंगे। ये है 1700 आवर्स 9 करके 15300 ये भी 1700 आवर का होगा 1900 रेट आ जाएगा डिवाइड करने से और फिक्स्ड ओवरहेड 900 फिक्स्ड ओवरहेड का एक्चुअल रेट है सबसे मतलब नहीं है हम लोग को डिवाइड बाय 1700 1.11 ठीक है। स्टैंडर्ड को फ्लेक्स करना पड़ेगा, यस और नो? क्लियर। आइए, सबसे पहला हम लोगों को बोला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हमेशा ऑन परचेज आता है, दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल इनपुट परचेज रेट वेरिएंस रेट डिफरेंस 4 4 10
into 5000, that comes to 500 adverse. मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमेशा ऑन कंजम्पशन आता है, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल इनपुट कंज्यूम्ड होल इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो एक बनाने के लिए चाहिए हम लोगों को 5 kg, तो 600 बनाने के लिए इतना. एक बनाने के लिए 5, तो 600 बनाने के लिए कितना हो गया? एक बनाने के लिए 5, 600 बनाने के लिए 3000, तो 500 ज्यादा यूज हुआ है. 2000 एडवर्स. समझ में आया ये क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है. के बाद क्या है, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. 10 इनटू 1700, दैट कम्स टू 1700 फेवरेबल. Standard hour for actual output minus actual hour into standard rate. एक का 3 घंटा, तो 600 का 1800, बट 1700 घंटा में हो गया 10 रुपया करके फर्क आ रहा है, तो 1000 फेवरेबल. कुछ नहीं है यहाँ पे, रेट डिफरेंस है यहाँ पे, इनपुट डिफरेंस. इसका भी वही रेट डिफरेंस, इनपुट डिफरेंस. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस सेम एज लेबर. सो वी कैन डू लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ डूइंग 1 माइनस दिस इनटू 1700, सो दैट विल लीड टू 1 minus 1.11 into 1700. तो ये 187 आ रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे और भी है ना, 1176 है. समझ में आ रहा है? तो 1 minus 1.1176 अब into 170 करो 1700, so that comes to 200 adverse. फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा. अपने यहाँ पे 2 ही डेसिमल प्लेस तक लिया है, बट इट विल बी 1.1176. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस सेम, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. बट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवर रेट का लेंगे. 1800
Is that fine? EFG क्या बोला है? सबसे पहला फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दैट इज एक्चुअल, सॉरी बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, नाउ बजटेड आवर इज हाउ मच? 1800. तो बजटेड आवर अगर 1800 है और 50 पैसा के हिसाब से हो तो बजटेड ओवरहेड 900 होगा, हाँ या ना? बोलिए. बजटेड इट इज व्हाट? बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड आवर. अरे अरे क्या कर रहे हैं, बंद हो जाएगा ये, अब नहीं पता ऐसे स्विच हमको. तो ये 900, ये भी 900, नील फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट? एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. या आप स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट भी कर सकते हैं. मतलब आपका बजटेड कैपेसिटी क्या था और आपका एक्चुअल के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, दैट इज लॉस ऑफ वॉल्यूम और गेन इन वॉल्यूम पता चल जाएगा, राइट? तो 3 hours into 600 माइनस 1800 इंटू 0.50, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 600 माइनस 600 into 1.5 रुपया, क्योंकि एक को बनाने का स्टैंडर्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड का 1.5 रुपया. हाँ, बजटेड आउटपुट 600, क्योंकि बजटेड आवर दिया हुआ है 600, तो 600 आवर में कितना प्रोडक्शन होगा, 1800 घंटा में कितना होगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक्चुअल आउटपुट 600 दिया हुआ है, बजटेड भी 600 है, तो आउटपुट लेने से यू कैन डू आइदर दिस और दिस, तो दोनों ही केसेस में ये नील आएगा, ये भी नील आएगा. जनरली वी यूज दिस, बट अगर यूनिट डिटेल नहीं दिया रहेगा, आवर्स में भी कई बार डिटेल दिया रहता है.
right? You can use any of these, either this or this. ये आउटपुट है तो इसलिए स्टैंडर्ड कॉल लॉस ऑफ वॉल्यूम इसको बोलेंगे हम लोग लॉस ऑफ वॉल्यूम ये भी लॉस ऑफ वॉल्यूम है बट लॉस ऑफ वॉल्यूम इन आवर्स ठीक है जी एच आई नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट तो 1700 माइनस 1800 इनटू 50 दैट कम्स टू 50 एडवर्स राइट फिक्स्ड ओवरहेड तो यहाँ पे कैपेसिटी कम यूज हुआ बट आई हैव मेड इट अप बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी समझ में आ रहा है ना मतलब शुरू में कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज्ड तो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज मतलब वॉल्यूम का लॉस होगा बट दैट आई हैव मेड अप कवर्ड अप वो मैं उसको कवर अप कर लिया बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी मतलब कम कम करके उतना ही प्रोडक्शन कर दिया मैंने आपके लिए Is that fine? तो ये सब चीज हम लोगों का क्लास में किया हुआ है राइट इसमें आपका एक्चुअल आवर यही होता है हाँ ये तो बताया है सब बोलने का क्या बात है इसका रेट नहीं निकालते क्योंकि इसका रेट से कोई काम नहीं हम लोग का पूरा फॉर्मूला हम लोग देखा है हाँ इसका कोई काम नहीं है इसको निकाल के कोई मतलब नहीं है राइट अभी क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो पार्ट क्या बोला ध्यान से देखिएगा
स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को रिकंसाइल करने बोला है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 600 यूनिट का कॉस्ट कार्ड देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट 54.5। अच्छा तो मटेरियल का एक बार कॉस्ट लेना पड़ेगा अपने को, 5000 × 4.1, 5000 × 4.1 प्लस 15300 1900 38600। तो यह आया 54 point इतना, राइट, और नीचे जाके मेरा एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है 38600। इसको रिकंसाइल करना है हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने प्रॉफिट से रिकंसिलिएशन किया था, बजटेड प्रॉफिट से सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दिखा देते थे तो हमारा फ्लेक्स प्रॉफिट स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाता था। फिर हम लोग प्राइस वेरिएंस मटेरियल का दोनों, लेबर का दोनों, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों करते थे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता था। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस नहीं है तो अपने क्या करेंगे, खाली कॉस्ट का रिकंसिलिएशन करेंगे, राइट, इसलिए अपने सेल्स वॉल्यूम और प्राइस लेंगे ही नहीं। तो ये होगा हमारा (600 × 54.5), इसको रिकंसिलिएशन करना है तो प्लस माइनस वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यह आया था 5000 एडवर्स, यह आया था 2000 एडवर्स, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी 1700 और 1000, 1700 और 1000, 2700, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, हजार और 200 एडवर्स, 200 एडवर्स और 100 फेवरेबल, 200 एडवर्स 100 फेवरेबल, तो 100 एडवर्स आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, नील नील करिए तो देखिए कितना आ रहा है, 32700 में सात हजार प्लस 2700
ठीक है। इज दैट फाइन? नाउ इसमें प्रॉब्लम है दो ठो, बच्चा लोग यही करके आएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था, ये है ऑन परचेज पे, ये है ऑन कंजम्पशन पे, तो इसका टेस्टिंग नहीं हो सकता, तो अपने को अलग से मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल इनपुट कंज्यूम्ड, राइट? तो चार चार दस, एक सेकंड गलत हो रहा है मेरा, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, अच्छा 500 एडवर्स है वही मैं बोलूं, तो ये आएगा मेरा 2500 एडवर्स, ठीक है, यस और नो? तो कंज्यूम्ड है 3500, तो उस हिसाब से मेरा 350 एडवर्स आएगा, इज दैट फाइन? हमारा ये ऑन परचेज, अगर अपने को टेस्टिंग करना है तो हम लोग को एमपीवी ऑन कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, राइट? अभी आप देखिए हमारा 100 फेवरेबल आ रहा है, 32700 माइनस 2500 प्लस 2700 माइनस 100, तो ये आ रहा है 32800, और यहाँ पे कितना है 38600, तो 5800 का अभी भी फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है बोलिए? क्योंकि ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट है नहीं, क्योंकि यहां पे टोटल परचेस क्वांटिटी का लिया हुआ है, तो जब हम लोग अपना एक्चुअल कॉस्ट लेंगे 38600, उसमें से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक लेस करना चाहिए, यस? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 1500 है, यस और नो? इसको वैल्यू करेंगे हम लोग, कितना पे बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, है ना? तब जाके मेरा एक्चुअल कॉस्ट आएगा 32600,
तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है? 100 फेवरेबल, और मेरा ये सारा वेरिएंसेस का हंड्रेड फेवरेबल आ रहा है। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक को परचेज प्राइस पे वैल्यू करता है तो यहां पे एमपीवी ऑन कंजम्पशन लेना पड़ेगा। राइट, सो इतना डिटेल में आपको पूछेगा नहीं, जस्ट मैंने आपको समझाते हैं के लिए खाली पर बताया है। राइट, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 32,700, एक्चुअल है 32,600, तो मेरा 100 फेवरेबल आ रहा है। इन सारा वेरिएंसेस का प्लस माइनस करेंगे तो 100 फेवरेबल आएगा। ठीक है, इज दैट फाइन? ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, हमने 600 के हिसाब से हमने परचेस किया है 5,000, 1,500 स्टॉक है, तो वो तो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आना चाहिए ना, तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे अपने हटा दे रहे हैं। तो अब इसमें 3,500 का कॉस्ट ही है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था ना, थर्टीन, मार्जिनल कॉस्टिंग का समय इस टाइप का सम हम लोग किया है, केस 1-2 यूनिट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं सेल्स ले लेंगे,
सेलिंग प्राइस बोला है 15 करके, अगर मैं 8000 बेचता हूँ तो 15 करके कितना होगा, 1,20,000, 5 करके लॉस, तो 40,000 लॉस के खाते में जाएगा। वहीं पे अगर मैं 20,000 बेचता हूँ तो 15 करके 3,00,000 सेल और 4 करके 80,000 प्रॉफिट। खत्म बात, करना क्या अब हम लोगों को, पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इन 200, दैट कम्स टू 80 माइनस माइनस 40, 3,00,000 अपॉन 120, सो दैट कम्स टू 2/3, फ्रैक्शन में ही रखो ना, नॉट टू, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी माइनस प्रॉफिट। तो 3,00,000 इंटू 2/3 माइनस प्रॉफिट कितना है, 80,000। कितना आ रहा है फिक्स कॉस्ट, 2,00,000 से 1,80,000 चला गया, 1,20,000, दैट्स इट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, 1,20,000 इंटू 3/2 डिवाइड करने से रेसिप्रोकल में चला जाएगा, दैट कम्स टू 1,80,000 और डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 12,000 यूनिट। ठीक है, सो पीवी आ गया, कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, फिर ब्रेक इवन आ जाएगा, इतना सही तो पूछा है, ये आपके स्टडी मटेरियल के पीछे साइड में है ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14,
Gaurav Limited is drawing a production plan for its two products, Minimax and Heavy High. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एट 25% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ. सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट मंथ होता है. फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डाटा फॉर टू प्रोडक्ट्स. बजटेड प्रोडक्शन से अपने को क्या लेना देना है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड दे दिया, उससे भी क्या लेना देना है? चार महीने का बोला है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून का बनाना है. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? मिनी मैक्स का प्रोडक्शन बजट अप्रैल मई जून. सेल्स दिया हुआ है 8,000, 10,000, 12,000 प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स. अगले महीने का सेल्स का 25% 2,500, 3,000. ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐसे नीचे उतरेगा. राइट, नाउ अप्रैल का ओपनिंग विल बी 25% ऑफ अप्रैल सेल्स. साढ़े 8,000, 10,500, 13,000. Is that fine? Heavy High का भी similar way में बनेगा. क्वेश्चन नंबर 15 थ्योरी है, राइट. दो क्वेश्चन तो इसमें पिछले ये हम लोग नवंबर 18 करें ना, मई 19 में दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है. पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. ना कोई भी हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं ना, तो सबसे पहला बात सिंपल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, राइट. मतलब इट शुड बी केपेबल ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस पर्सन. जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं उसमें से आई कैन जनरेट इन्फॉर्मेशन. तो सिंपल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए,
यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम सो दैट डेटा कैन बी पुल्ड अप फ्रॉम देयर. जैसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते वक्त अपने को टैली से डेटा चाहिएगा, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएंसेस निकालते वक्त चाहिएगा. स्टैटिक नहीं होना चाहिए जो भी सिस्टम आप बनाएंगे, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. अगर कोई प्रैक्टिस हम चेंज करते हैं, कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आई कैन डेवलप द सिस्टम अगेन. एंड आई शुड हैव अ ट्रस्ट ऑन द सिस्टम दैट आउटपुट जनरेटेड इज करेक्ट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है. राइट, कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम का अगर हम बात करेंगे, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, राइट, ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी देयर, कंसिस्टेंसी मस्ट बी देयर, राइट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. इफ़ यू वांट टू चेंज एनी पॉलिसी देन आई कैन चेंज द सिस्टम, राइट. तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, आरटीपी में दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल दैट आई हैव डिस्कस्ड इन मे 19 वाला पेपर आरटीपी. कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट भी मैंने डिस्कस कर दिया है, राइट. जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस बोला है. बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग बट इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहां पे एट अ स्ट्रेस सिमिलर नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लॉट्स. यहां पे कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड जॉब वाइज, यहाँ पे बैच कॉस्ट आता है, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटपुट से, देन कॉस्ट पर यूनिट आता है. हर एक जॉब अपना अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट बैच कॉस्टिंग में जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस करे ऑल दोज आर सिमिलर, राइट. सो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं, राइट. ये मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली फाइनल लेवल का डिस्कशन था, इसलिए मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, राइट. ये जो रिकंसिलेशन मैं जो बता रहा था, बताते बताते रुक गया था, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट. तो लेट अस नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. आपने वेरियंसेस निकाल लिया, काफ़ी है, राइट. तो ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है. सो अगेन वी विल बी बैक विथ सम अदर पेपर सून, ठीक है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.